जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं शील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो शील्ड डिफेंस एकेडमी का क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। इसका जो डिफेंस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आप शील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो वीडियोज़ हैं सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड शील्ड डिफेंस एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ और आप जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि जो मैं और भी डिफेंस स्टूडेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और जुड़े रहिए शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, तो ताकि जो नए नए वीडियोस हैं अब उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। मैं आपको फिजिक्स के सेक्शन में आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, मोशन एंड फोर्स। ठीक है, मोशन एंड फोर्स इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, ये किसी भी पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है। सपोज़ कोई आपका पाथ ये है जिगजैग मोशन, आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी पर आप लोग पहुँच गए। ठीक है, तो ये एक्चुअल लेंथ जितना भी आपने ट्रेवल किया, विच पाथ यू हैव ट्रेवल्ड, ठीक है, दिस एक्चुअल पाथ इज नोन एज द, ठीक है, डिस्टेंस। दिस इज नोन एज द डिस्टेंस। इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है वो क्या है आपकी, इसकी जो यूनिट है वो है आपकी मीटर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, इस मीटर है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी सीक्वेंस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी एस वेक्टर है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। ये किसी भी पथ की शॉर्टेस्ट, पाथ की शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। ओके, इट इज़ द, तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ होती है पाथ की। या फिर आप डायरेक्ट इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, इट इज़ द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस होती है। यूनिट इसकी मीटर ही होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल से कैसे, जैसे आपने ये डिस्टेंस, आपका इनिशियल पॉइंट ये है ए पॉइंट, और फाइनल पॉइंट कितना आपका बी पॉइंट है, तो आप इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर दीजिए। इनिशियल से फाइनल, यही आपका क्या है, एस वेक्टर कहलाएगा। क्या है, यही आपका एस वेक्टर। तो इनिशियल से फाइनल के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट। और इसकी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल से फाइनल, ये इनिशियल से फाइनल की ओर इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, डायरेक्ट क्वांटिटी, डायरेक्ट डायरेक्शन होती है इसकी। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो ये थे डिस्प्लेसमेंट। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है, कोई पार्टिकल है वो इस पाथ पर फॉलो करता है। ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है चारों डायरेक्शन में, 1, 1, 1 एंड 1 मीटर के बराबर। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पार्टिकल कवर 3/4 ऑफ द सर्किल। जब पार्टिकल 3/4 ऑफ द सर्किल, 3/4 ऑफ द सर्किल कितना होता है, एक सर्किल का 3/4 भाग। जैसे अगर मैं बात करूँ तो 3/4 इतना होगा। सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और ये आपका इतना पार्ट होगा 3/4। सपोज इसको आपने 4 भागों में बांटा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इतना पार्ट, ठीक है, ये इतना पार्ट। ठीक है, ओके, ये 1/4 आपका, ये 1/4, ये 2/4 एंड ये 3/4। ये भी 1 मीटर डिस्टेंस, ये भी 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, ये भी 1 मीटर के बराबर है। ओके, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, सारे के सारे 1 मीटर हैं। ओके, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आपका 3/4, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ जो आपका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट सपोज बी ये है। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल की ओर जाता हुआ आपका 2πr तो कंप्लीट होता है रेडियस, 2πr का 3/4। ठीक है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, r की वैल्यू रखेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 3π/2। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका, मैंने क्या बताया, इनिशियल से फाइनल के बीच का डायरेक्ट, ये आपका क्या कहलाएगा, इनिशियल से फाइनल आपका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। पाइथागोरस से देखेंगे तो √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये आपका √2 आ जाएगा यहाँ से सॉल्व आउट होकर। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इसको बताया हुआ भी, तो देखिए किस तरीके से,
ये है आपका, यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर आया, इस पाथ के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो आपका इस डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर का 3/4, और ये कितना होगा, 3π/2। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल बन जाएगा ये, राइट एंगल ट्रायंगल। अंडर रूट 2 का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या किया आपने, डायरेक्ट डिस्टेंस इनिशियल फाइनल पॉइंट का क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअल डिस्टेंस क्या दे देगा आपको, मिल जाएगा वहाँ से आपको डिस्टेंस। स्पीड की बात करें, इसको वी से डिनोट करते हैं, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड बोलते हैं। इसकी जो यूनिट है मीटर पर सेकंड होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट डिस्कवर्ड बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम। ये क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है। आपको अगर फिर से मैं इस तरीके से कराऊँ, ठीक है, अगर बात करें वेलो स्पीड की, तो ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ओके। अगर बात करें वेलोसिटी की, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, ये क्या होता है, बी ए वी जी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या फिर इसको हम डी एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी भी बोल देते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, बी इंस्टेंटेनियस, बी आई एन एस टी, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। यहाँ पर क्या होगा, डी बाई डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन कर देंगे, सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इजिली इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे तो आ जाएगा आपका सॉल्व आउट। तो ये था आपका इसके इंस्टेंटेनियस के बारे में और एवरेज के बारे में। इन पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज गिवन बाय 3t² + 2t + 1 मीटर, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी आप लोगों को वी डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना है 3t² + 2t + 1, तो वी का फॉर्मूला कितना होता है, डी एस बाय डी टी। आपने फॉर्मूला लगाया, डिफरेंशिएशन किया, टी स्क्वायर का 2t, तो इतना आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 0 पर 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 8 आ जाएगा, और टी इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये आपको टी की वैल्यू निकलने आ गई, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी आ गया। फिर जब मोशन को गवर्न कराने वाले कुछ इक्वेशंस हैं, ये तीन इक्वेशन होते हैं, पहला है v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut + 1/2 at² थर्ड होता है v² इक्वल टू u² + 2s। टर्मिनोलॉजी आप जानते होंगे, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, v होता है क्या, फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलेरेशन, s होता है डिस्प्लेसमेंट, एंड t होता है टाइम। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। अगर यही चीज़ें मोशन जो होता है, अगर पार्टिकल का मोशन ग्रेविटी के अंडर होता है, किसके अंडर, ग्रेविटी के अंडर होता है, तो इस इक्वेशन का चेहरा कुछ इस तरीके से हो जाता है, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। मतलब जो आपका a होता है वो कन्वर्ट हो जाता है जी में, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एच में, ठीक है। और टाइम तो सब जगह टाइम ही रहता है, यू सब जगह सेम ही रहता है, एंड वी सब जगह, ये चीज़ें सेम रहती है, और ये चीज़ें आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कौन से वाले, जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। बस ये ही ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है, ठीक है, यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना। ए को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, जी से, और एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, एच से, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, इस सीक्वेंस में जो हमें पढ़ना होता है वो होता है लॉज ऑफ मोशन। क्या है लॉज ऑफ मोशन, क्या है लॉज ऑफ मोशन में देखते हैं। लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए थे, न्यूटन के थ्री लॉज होते हैं आप जानते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से एग्जाम में बेटा पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये जो फर्स्ट लॉ है ये डिफाइन करता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की डेफिनेशन फोर्स को डिफाइन करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन्स का कौन सा लॉ है जो फोर्स को डिफाइन करता है, तो वो है फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है, वो डिफाइन करता है फोर्स को, व्हाट इज फोर्स, ठीक है। तो
तो फोर्स वह एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करता है या चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, टेंडेंसी रखता है, चेंज करता है, चेंज करने की टेंडेंसी रखता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम अगर देखें तो ये क्या कहता है, देखिए ज़रा ध्यान से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ़ ए बॉडी इज मूविंग और इट इज़ रेस्ट देन इट कंटिन्यूज इट्स पोजिशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रखी हुई है, ये रही आपकी रेस्ट पर, यदि कोई ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेगी, रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, और यदि कोई ऑब्जेक्ट बी है वो कंटिन्यूसली किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ये मूव ही करती रहेगी इसी डायरेक्शन में जब तक कि इसकी पोजीशन में चेंज नहीं होगा, जब तक कि इस पर बाहर से आप फोर्स अप्लाई नहीं करते। अगर आप बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं तभी इसकी पोजीशन में चेंज होगा, अदरवाइज की पोजीशन में चेंज नहीं होगा। तो फोर्स ने क्या किया, फोर्स एक्चुअली करा क्या क्या, फोर्स ने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज किया, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही बताता है कि फोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करता है। तो यही क्या करता है आपका, फोर्स को डिफाइन करता है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, हिंदी में इसको जड़त्व का नियम बोलते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम बोला जाता है इसको, ठीक है, जड़त्व का नियम, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ, लेट्स अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ, ये क्या होता है, फोर्स को, ये फोर्स की जो थियोरटिकल डेफिनेशन है, थियोरटिकल डेफिनेशन, ठीक है, थियोरटिकल डेफिनेशन, ये क्या है, सेकेंड लॉ में न्यूमेरिकल डेफिनेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल डेफिनेशन है इसका। न्यूमेरिकल डेफिनेशन देखते हैं जरा, न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्या, ये क्या कहता है, न्यूमेरिकल डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं इसको। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी इक्वल्स टू एम इन टू बी होता है, फोर्स इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है, एफ इज इक्वल टू पी की जगह एम इन टू बी रखेंगे, एम बाहर लिया डी बी अपॉन डी टी, और डी बी अपॉन डी टी को हम लोग एक्सेलेरेशन बोलते हैं, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो ये होता है एम इंटू ए हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास निकल गया, एफ इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर, ये न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है, एक छोटा सा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं इसी सिक्वेंस में थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है, ये थर्ड लॉ जो है आपका, ये पूछा जाता है, ये क्या है, कंजर्वेशन बेस्ड ऑन, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपको याद रखना है, लीनियर मोमेंटम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेस्ड है, क्या है आपका थर्ड लॉ, देखते हैं, डिफाइन करते हैं इसको, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, व्हेन ए बॉडी अप्लाई फोर्स ऑन वन बॉडी ऑन द अदर बॉडी, ठीक है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, देन द सेकेंड बॉडी इज ऑल्सो अप्लाइड द फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन में, यदि दो बॉडी है, अगर पहली बॉडी, यदि दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ये आपस में कॉन्टैक्ट में है, अगर ये इस पर एफ फोर्स लगाती है तो दूसरी वाली भी एफ फोर्स ही लगाएगी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, एफ फोर्स ही लगाएगी अपोजिट, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी भी पहली पर ही फोर्स लगाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, इसको जितना एक बॉडी दूसरी पर एक्शन देगी दूसरी बॉडी भी उस पर उतना ही रिएक्शन देगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में, सो द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, जितना आप एक्शन देंगे उतना ही क्या होगा, आपको रिएक्शन मिलेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोला जाता है, ठीक है, थर्ड लॉ, ओके। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना होता है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ। अब देखते हैं हम इस पर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, छोटा सा इलस्ट्रेशन कर लिया जाए, क्या है इलस्ट्रेशन देखते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये एक पुली मास सिस्टम का क्वेश्चन है, ये कोई पुली है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, ये एक पुली है और इससे एक 5 kg का मास कनेक्टेड है, एक 10 kg का मास कनेक्टेड है, 5 kg का मास है,
तो इसका ये दोनों के दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, आपको पिक्चर में आए हो कि दिख रहा होगा, ये एक स्ट्रिंग से बना है। तो स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, टेंशन मतलब तनाव, कितना टेंशन होगा, टेंशन एक प्रकार का फोर्स ही होता है जो रस्सियों में पाया जाता है। और एंड आपको फाइंड करना है एक्सेलेरेशन, ठीक है, आपको एक्सेलेरेशन भी फाइंड करना है कि ब्लॉक्स का कितना, किस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहे होंगे, टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में वो फाइंड करना, ठीक है। तो चलते हैं मूव, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, 5G जो फोर्स है, 5 वाला है MG, वो 5G नीचे की ओर लग रहा होगा MG के बराबर, 10G वाला नीचे की ओर लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगता है, टेंशन ऊपर लग रही होगी, उस पर भी टेंशन ऊपर। अब ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, जो 10 kg वाला मास है वो नीचे जाएगा और जो 5 kg वाला मास है वो ऊपर जाएगा। तो 10 kg वाले की जो डायरेक्शन होगी वो मूविंग इस डायरेक्शन में होगी और 5 kg की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो आप देखते हैं, हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं। 5 kg के लिए अगर आपने इक्वेशन बनाया, 5 kg मास के लिए, ये आपने 5 kg मास के लिए बना रहे हैं, एफ इक्वस टू एम ए, तो 5 kg वाले के लिए एफ इक्वस टू एम ए लगाएंगे। 5 kg मास के लिए आप इक्वेशन लगाएंगे, 5 kg मास के लिए कितना लगेगा, एफ इक्वस टू एम ए। तो 5 kg मास के लिए देखिए, ऊपर की डायरेक्शन में टी लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में एम जी, तो सपोर्ट में कौन है, टी माइनस 5 जी होगा, इज इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। एफ में आपको वही रखना, फोर्स सपोर्टिंग माइनस फोर्स अपोजिंग, सपोर्ट कर रहा है टी, 5 जी क्या, नीचे की अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 10 kg मास के लिए अपने एफ इक्वल टू एम ए लगाया, तो 10 kg में 10 जी जो है वो मोशन को सपोर्ट कर रहा है लेकिन टेंशन उसके अपोजिट में, तो 10 जी माइनस टी हो जाएगा इन टू एम इन टू ए, 10 जी माइनस टी माइनस का एम इन टू ए मतलब 10 ए, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने, दोनों को आपने एडअप किया तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आपने ऐड कर दिया, ये आपने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 जी, 10 जी में से 5 जी जाएगा तो 5 जी बचेगा, और 10 प्लस 5 कितना होगा, 15 जी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, जी बाई थ्री, ए की वैल्यू कितनी आ गई, जी बाई थ्री। इसको आपने 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे टी माइनस 5 जी इक्वल टू एम इन टू ए, ए की वैल्यू 5 बाई a/3 हो जाएगी, तो टी इक्वल टू ए कितना होगा, 5 जी इधर आके प्लस में हो जाएगा, 5 LCM लिया, 5 3 जो 15, 15 प्लस 5 t 20, ये 20 g/3, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया, टेंशन निकल के आया, और ये कितना है आपका एक्सेलेशन, ठीक है। तो एक्सेलेशन जी बाई थ्री और टेंशन 20 g/3, ये आपका आंसर आ गया। आपको टेंशन भी फाइंड करना था, टेंशन भी आपका कैलकुलेट हो गया, आपको एक्सेलेशन भी फाइंड करना था ब्लॉक्स का, ठीक है। तो एक्सेलेशन भी फाइंड हो गया, तो यही आपको फाइंड करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए गन ऑफ मास 10 kg एंड बुलेट ऑफ मास 500 ग्राम, ठीक है। एक गन है जिसका मास कितना है, 10 kg, एक बुलेट है, बुलेट मतलब जो उसका कारतूस होता है, बुलेट जो फायर किया जाता है, वो उसका वेट कितना है, मास कितना है, 500 ग्राम है। द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 100 m/s, जो बुलेट की वेलोसिटी है वो 100 m/s, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन, तो आपको गन की वेलोसिटी फाइंड करनी। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, कि पी इज इक्वल टू एम बी आपका क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, मतलब आपका जो होगा, आपका पी मोमेंटम जो होगा गन का, वो मोमेंटम किसके बराबर होगा, मोमेंटम बुलेट के बराबर होगा, BULLET इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसका M1V1 इक्वल्स टू आप पुट कर देंगे M2V2, आप वैल्यू पुट कर देंगे, M1V1 M2 की वैल्यू आपको गिवन है आपके पास, लेकिन हम आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको केजी में कन्वर्ट, आप सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। मास ऑफ गन आपको गिवन है 10 kg, वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करना है, मास ऑफ बुलेट कितना है, 500 ग्राम, तो आप इसको पहले 500 ग्राम को किससे, 1000 से डिवाइड करके क्या करेंगे, केजी में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, किस में, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/2 केजी हो गया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये कितना है, 100 m/s, तो आप लगाएंगे कंजर्वेशन, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, जैसे कि मैंने बताया इसमें आपका क्या होगा, मोमेंटम आपका कंजर्व रखना, मोमेंटम कंजर्व रखेंगे तो क्या होगा, लुक एट सी, लेट सी, ठीक है। अगर आपने मोमेंटम कंजर्व रखा, तो मोमेंटम कंजर्व रखते हैं तो देखिए क्या होता है,
मैं आपको दिखाता हूँ मोमेंटम, यहाँ पर आपने मोमेंटम कंजर्व रखा, ओके मोमेंटम कंजर्व रखा आपने, मोमेंटम जैसे ही आप कंजर्व रखेंगे, जैसे ही आप मोमेंटम कंजर्व रखेंगे तो एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू हो जाएगा। एम वन वी वन इक्वल टू एम की वैल्यू 10 है, वी फाइंड करना है, एम टू कितना 1/2 और वी टू की वैल्यू 100 है। इस जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, ये 5 टाइम्स चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, मतलब उसकी जो आपकी गन है उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लॉज ऑफ मोशन और आपका लॉज ऑफ मोशन के बारे में और थोड़ा मोशन के बारे में। ठीक है, और आप डिटेल्ड लेक्चर के लिए आप जुड़े रहिए सिविल डिफेंस एकेडमी के साथ, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो न्यू चैप्टर वाइज अपडेटेड वीडियो है आपको प्रोवाइड होते रहे, उसका लिंक आपको मिलता रहे सब। ठीक है, तो और चैनल वीडियो को बार बार देखिए, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए तो मैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग उसका फ़ायदा उठा पाए। और काफ़ी यार हार्डवर्क करते हैं हम लोग आपके लिए, ताकि वीडियो को लाइक कर दो अच्छे से। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।